हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड गैराज। आज की वीडियो में हम हमारी सियाज में एम्पलीफायर इंस्टॉल करने लगे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू इंस्टॉल एम्पलीफायर इन अ कार। आप अपनी गाड़ी में एक एम्पलीफायर कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कनेक्शंस बताने चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें बी प्लस की तार निकालनी होती है हमारा हुड ओपन करके। यहाँ से हमारी जो बी प्लस की तार रहेगी वो आपको मैं बताता हूँ हम कहाँ से निकालते हैं। हमें पहले जगह देखनी पड़ती है कि हमारे कार के इंजन के पीछे से कहाँ से सारी वायरिंग जा रही है। हम वहाँ से ये वाली बी प्लस की तार निकालेंगे। हमें उस जगह पे कुछ जगह दिख रही है, वहाँ से भी निकाल सकते हैं। बी का हम इस कार में एम्पलीफायर लगा रहे हैं। इस एम्पलीफायर की आप अनबॉक्सिंग की वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये SNB का हम एम्पलीफायर बहुत सर्च करके लेके आए हैं। आपको 4000 या 4500 का बड़े आराम से KB अवेलेबल हो जाएगा। उस वीडियो में मैंने एम्पलीफायर की सारी स्पेसिफिकेशन की बात करी है, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। हम और इस कार में फाइनर के जो हमारे TS20 ट्वीटर्स रहते हैं वो लगा रहे हैं हम कॉपी वाले। इनका प्राइस 800 रुपीज़ रहेगा। और हम हमारी कार में JBL की बेस ट्यूब लगा रहे हैं, GTX सीरीज 1300 वाट्स की हमारी ये बेस ट्यूब है। अब हमने जो फ्रंट से वायरिंग डाल दी है वो कहाँ से डाल दी है मैं आपको वो दिखाता हूँ सारा आगे वीडियो में। ये जो हमारी वायरिंग का फ्यूज़ रहता है इसकी हमने यहाँ से अच्छे से वायरिंग कर ली है। ये वाली हमारी बी प्लस पे जाएगी और यहाँ से हमारी वायरिंग होते हैं हम यहाँ से अंदर की तरफ डाल रहे हैं। हम फेंडर की तरफ से खींचेंगे वायरिंग, वही हमें सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस लगी है। जैसे कि हमने आगे से तार दे ही दी थी, आप ये फेंडर के यहाँ से आप देख सकते हैं हमने खींच लिए, पर हम ये ऊपर वाली साइड ही फेंडर के हम ये नीचे वाली साइड से उठाएंगे तार को। वहाँ से इसको हमने नीचे किया और इसको यूँ नीचे से खींच लिया। आगे से हमारी काफ़ी तार यहाँ आ चुकी है। हमने एम्पलीफायर हमारा पीछे बूट में इसको प्लेस करना है हमने एम्पलीफायर को, तो हम वायर काफ़ी लंबी रही है। आप चाहे तो आप यहाँ सीट के नीचे भी लगा सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये रबड़ हटा के हमने यहाँ से तार अंदर दे देनी है। आप चाहे तो हमने यहाँ से ऑलरेडी पहले निकाली हुई है तार, ये वाली जगह हमारी खाली है। जैसे आप देख सकते हैं मेरी पूरी फिंगर अंदर जा रही है, हम यहाँ से तार दे सकते हैं। ये जो हमारी बी प्लस की हमने वायरिंग यहाँ से निकाल ली है, अब इसके बाद हमारा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा हमने स्टीरियो कैसे ओपन करना है सियाज का। तो सबसे पहले हमने एक स्क्रू ड्राइवर लेना और यहाँ से लॉक निकालने इजीली शुरू कर देने हैं। ये आपने बड़े ध्यान से करना है, कहीं आप इसको क्रैक ना कर लो ज़्यादा जोर लगा के। हल्की हल्की फोर्स लगा के इसके आराम से लॉक खोलते रहेंगे सारे। हमारे कवर खोल के फिर यहाँ पे आप स्क्रू देख ही सकते हैं हमने खोल लिए, क्योंकि हमारे दो स्क्रूज हैं। इसके लिए हमने लॉक बाहर निकाल लेंगे, इसको हल्का सा जोर लगा के। हमारा पूरा स्टीरियो बाहर आ जाएगा। अब इसके हमने पीछे से एम्पलीफायर के कनेक्शंस कैसे करने हैं वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। जो हमारी वायरिंग थी हमने इग्निशन की वायरिंग कर ली है, आप यहाँ से देख सकते हैं हमारी जो यहाँ से पहली वायर है वो इग्निशन की वायर है, और यहाँ पे हमारे बी प्लस वगैरह की आपने इग्निशन की वायर से हमारी रैम वायर कनेक्ट करनी है और पीछे ले जानी है। अब हमारे कंपनी का स्टॉक स्टीरियो है, इसमें हमारे RCA के इनपुट्स नहीं है, तो हमने एक हाई लो कन्वर्टर लेके आए हैं। आपको ये 100 रुपीज़ का कहीं से भी अवेलेबल हो जाएगा, आपको नीचे लिंक्स मिल जाएंगे सारे। अब इसको लगाने का क्या प्रोसेस रहेगा वो बहुत ही सिंपल रहेगा। जो हमारे स्टीरियो से आउटपुट आती है हमने उसमें ये वाली वायर लगा देनी और हमें ये लो इनपुट मिल जाएगी। हमने फिर यहाँ से RCA केबल कनेक्ट करके पीछे एम्पलीफायर को दे देना। तो जैसे कि हमने यहाँ से सारे कनेक्शंस कर लिए, हमारी बैटरी की तार निकल चुकी है, हमारी रैम की जो वायर है वो हम निकाल चुके हैं यहाँ से, ये जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर हमारे जैसे स्टॉक स्टीरियो आपको मैंने कहा था हाई लो कन्वर्टर लगाना है हमारा, वो भी लग चुका है। और इससे हमने RCA हमारी कनेक्ट कर ली, हमारे जो यहाँ के सारे कनेक्शन से वो हमारे हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर हमारा स्टीरियो वापस लगा के सारी वायरिंग अंदर कर देते हैं। हमारे जो सारे कनेक्शन से हमारे लग चुके हैं स्टीरियो से, हमारी जो बी प्लस की तार थी हम वहाँ से लेके जा चुके हैं, हमारी रैम वायर हम स्टीरियो से लेके जा चुके हैं, RCA केबल स्टीरियो से लेके जा चुके हैं, और ये जो हमारी ट्वीटर्स की प्लेसमेंट थी मैंने आपको कहा था हम ये TS20 पाइनर के ओरिजिनल ट्वीटर्स भी लगाएंगे, इनकी भी वायर हमारे पीछे बूट में जा चुकी है। अब हमारे जो यहाँ से सारे कनेक्शन हमने डाले थे हमने वो सारा बंद कर लिया। अब जो पीछे एम्पलीफायर पर हमारे कनेक्शन रहेंगे वो कैसे रहेंगे मैं आपको वो बता दूँगा आगे वीडियो में। तो गाइज अब हमारा टाइम आ चुका है जब हमारी सारी वायरिंग डिक्की में हमारी आ चुकी है। ये वाली हमारी ग्राउंड वायर आप कोई भी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, आप कोई भी यहाँ से आप पेज से बोल्ट टाइट करके बीच में तार फंसा के वहाँ से एक ग्राउंड ले सकते हैं, हमने वहाँ से ये ग्राउंड ले लिया। अब हमारे एम्पलीफायर में हमने सबसे पहला काम ये करना, जो ग्राउंड वायर है हमारी वो लगानी है, और ये हमने टेप इसलिए लगाई है जो हमारी वायर होती है जैसे ये इसके निकल रहे हैं वो आसपास कहीं शॉर्ट ना करें थोड़ा सा भी। सबसे पहले हम ग्राउंड वायर लगा लेंगे। मेक श्योर आप जब ये तारे लगा रहे हैं वो बिल्कुल आपके नीट एंड क्लीन कनेक्शंस हैं।
एस एंड बी में मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी है, जैसे ये हमारे 12 वाट ग्राउंड के जो थिम्बल्स हैं वो बड़े हैं, और ये जो हमारा रैम का ये थोड़ा छोटा दिया हुआ है इन्होंने साइज, ये आपने बिल्कुल अच्छे से टाइट कर लेना जैसे कि हमारा हो चुका है। उसके बाद हमारी ये हमने जो हमने रैम वायर निकाली थी आगे स्टीरियो से कनेक्शन, मैंने आपको बताए थे सियाज के लिए क्या रहेंगे, और लो हाई हाई फिल्टर हमने कैसे लगाना है वो भी आपको मैंने बताया था आगे। इसके बाद हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहेगा प्लस 12 की तार लगाना, आप जैसे लगाओगे आप मे बी स्पार्क इसमें आए, जैसे कि मैंने कहा था स्पार्क आया इसमें, और ये वायर हमने बिल्कुल भी इस पर ढीला नहीं देनी, बिल्कुल टाइट रखनी है, ये बिल्कुल अच्छे से अंदर चलेगी है, ये इसको हमने कस लेना सिंपली। ये वायर हमने लगा ली, अब हम हमारी इग्निशन को ऑन करके देखेंगे कि हमारा एम्प चल रहा है या नहीं चल रहा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एम्पलीफायर परफेक्टली ऑन हो गया, इसमें कोई पावर प्रोटेक्शन की भी लाइट नहीं आई क्योंकि हमारे कनेक्शन बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। मैं आपको इसका रिस्पांस चेक कराता हूँ, इसकी वायरिंग का मैं आपको बता दूं, जो हमारी ये बेस ट्यूब है 1300 वाट्स की JBL की, हमने इसको ब्रिज बनाया यानी कि एक मोनो चैनल बना दिया, दो चैनल का हमने कंबाइन करके, और ये जो हमारे ट्वीटर्स के हैं इनको हमने गेन यहाँ से सेट करके हमने लगा दिया, हमारी कार से क्या मैच होता। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी जो सारे कनेक्शन थे एम्पलीफायर के वो हमारे हो चुके हैं सारे, हमारा जो गेन वगैरह था हमने सारा सेट कर लिया, और ये हमारी JBL GTX 1300 वाट्स की जो हमारी ट्यूब है वो भी लग चुकी है। अब मैं आपको आगे के इसके कुछ कनेक्शन दिखा देता हूँ। आगे हमने जैसे मैंने आपको बताया था पाइनर के TS20 ट्वीटर इंस्टॉल करे हैं दोनों तरफ पे, और हमने इसकी बैक साइड पे एक और अपडेटेशन करी है, हमने FND के जो हमारे होम थिएटर वाले स्पीकर्स होते हैं वो लगाए हैं दोनों तरफ पे, और इसका जो हमारा गेन वगैरह था हमने पूरा सेट किया हुआ है। मैं आपको इस पे इसकी परफॉर्मेंस चेक कराता हूँ, क्या रेवोल्यूशन सॉन्ग हम प्ले कर रहे हैं। तो जैसे कि आप रिस्पांस देख ही सकते हैं हमारा इस जो हमने सिस्टम लगाया इसका रिस्पांस आपको कैसा लगा मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आप जानना चाहते हैं ये जो मैंने FND के घर के होम थिएटर वाले स्पीकर थे वो मैंने कैसे लगाए इस कार के अंदर, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको एक वीडियो बना के दे सकता हूँ उसके बारे में। आपको अगर आज की वीडियो में कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कुछ भी आपको पसंद आया, तो बी श्योर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाना।